है जो द्रोणाचार्य जी का मंदिर है, यहाँ जो स्थली रही है वो एकलव्य जी की जो कर्म भूमि है वो यही रही है, और एकलव्य जी ने इसी स्थान पर अपना अंगूठा द्रोणाचार्य जी को दान दिया था, और यहीं पर द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर वो पूजा किया करते थे और उन्हीं से धनुर्विद्या सीखा करते थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं द केडीटू। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपको एक ऐसी जगह पर जहां पर गुरु द्रोणाचार्य जी का मंदिर है, और गुरु द्रोणाचार्य जी का जो मंदिर है वो भारत में केवल एक ही स्थान पर है, वो है दनकौर में। दनकौर जिसका पहले नाम द्रोणकौर हुआ करता था। बताने वाला हूँ इस मंदिर के बारे में, देने वाला हूँ आपको पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को चालू भी कर दीजिए। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। द्रोणकौर का नाम अपभ्रंश होकर धनकौर और बाद में दनकौर हो गया। इसी क्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। महाभारत में उल्लेखित है कि एक बार वन में शिकार खेलते पांडव इस क्षेत्र में आ गए थे। पांडवों के साथ आए कुत्ते ने भील बालक के स्वरूप को देखकर उस पर भौंकना शुरू कर दिया था, तो उस भील बालक ने उस पर बाणों की ऐसी बारिश की थी कि उससे उस कुत्ते को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और उसका उन्होंने मुंह बंद कर दिया, उसको बांध दिया। यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले जान लेते हैं कि आप दनकौर में द्रोणाचार्य के इस मंदिर पर कैसे पहुँचेंगे। अगर यहाँ पहुँचने के बारे में बात करें तो दनकौर में अपना रेलवे स्टेशन है, तो दनकौर आप रेल के द्वारा आकर यहाँ से ऑटो बुक कर मंदिर तक पहुँच सकते हैं, जिसकी दूरी 17 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में आपको 21 मिनट तक का समय लगेगा। अगर आप बस के द्वारा आने की बात करें तो बस के द्वारा आप परी चौक ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं, वहां से दनकौर के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा। आपको ऑटो में यहां से दूरी 17 किलोमीटर पड़ने वाली है, जिसका टाइम लगभग 19 मिनट लगेगा और आपके 20 रुपए लगेंगे। अपने वाहन से आने की बात करें तो मैं मंदिर की जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको फॉलो करके पहुँच सकते हैं। भारत में वैसे तो धार्मिक और ऐतिहासिक बहुत सारी चीजें हैं, और आप जिस भी राज्य में जाओगे, जिस भी स्थान पर जाओगे, बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो दनकौर में जो द्रोणाचार्य जी का मंदिर है, यूनेस्को वालों ने 2013 में यहाँ पर सर्वे किया था और उनको सर्वे में ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर मिली थी, उन्होंने इसको भी यहाँ पे धरोहर घोषित कर दिया था और उनका यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और अंदर चलकर आपको मैं दिखाता हूँ मंदिर में कि एकलव्य ने जो मूर्ति बनाई थी वो कैसी है, और बताता हूँ मंदिर के इतिहास के बारे में। तो आइए मेरे साथ मंदिर के अंदर चल रहे। सबसे पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मैं आपको कराता हूँ द्रोणाचार्य जी की उस प्रतिमा के दर्शन, जिसको स्वयं एकलव्य ने बनाया था। उसके बाद जो आचार्य जी हैं, आचार्य जी अमित जी हैं, उनके द्वारा मैं देने वाला हूँ मंदिर के बारे में विस्तृत रूप में पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जानकारी को अच्छे से प्राप्त कीजिएगा। साथ मंदिर के आचार्य जी हैं, जिनका नाम है अमित मिश्रा जी, और बताने वाले हैं जो द्रोणाचार्य जी की मूर्ति है एकलव्य ने अपने हाथों से बनाई थी, उसके बारे में देने वाले हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले पंडित जी मैं पूछना चाहूंगा, जो ये मूर्ति है ये उसी समय से यहाँ मंदिर में उपस्थित है, या मतलब ये कितनी पुरानी मूर्ति है? ये तो कलयुग चल रहा है, द्वापर युग की बात है, द्वापर से 5000 वर्ष तो पूर्व हो चुके हैं, और ये हमारी मूर्ति जो है स्थापना इसको 400 वर्ष पूर्व हुए हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा है जो एकलव्य द्वारा निर्माण की गई है। ये वही मूर्ति है जो एकलव्य ने अपने हाथों से बनाकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। जी जी। तो ये मंदिर जो है ये कितना पुराना है? ये तो 400 वर्ष। अच्छा,
और जैसे कि हम सभी मंदिरों में जाते हैं वहाँ पे मान्यता होती है कि यहाँ की ये मान्यता है, यहाँ पे आगे किसी कोई ठीक हो जाता है, तो इस मंदिर की क्या मान्यता है? यहाँ पे ये मान्यता बहुत विशेष है, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं वो कलावा बांधते हैं, वो सभी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, कलावा बांधते हैं, और फिर जैसे ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद कलावा आकर के खोलते हैं, यथाशक्ति अपना भंडारा दान करते हैं। अच्छा, तो ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना? जी 400 साल पुराना है जी। अच्छा, ये जो प्रतिमा है, ये मैंने सुना था कि यहाँ पे आसपास के एरिया में जो खुदाई हो रही थी, ये प्रतिमा वहाँ पे मिली थी और उसके बाद इसको मंदिर में स्थापित कर दिया गया, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारे मंदिर में ही एक कुंड है, उस कुंड में ही प्रतिमा को प्राप्त किया गया है और वहां से ला करके यहाँ पे स्थापना करा दी गई है, यहाँ मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने सुना था कि यहाँ पे एक द्रोण तालाब है, वो उसमें कभी भी पानी भरा नहीं रहता, वो हमेशा सूख जाता है, तो उसके पीछे क्या? वो वही कुंड है जो जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा मिली है, उसे अब तालाब लोग बोलते हैं, पहले उसको कुंड बोला जाता था। तो उसी कुंड में, उसमें विशेषता क्या थी, एक संत थे, वो तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो अचानक सा आंधी आई और बारिश होने लगी, तो उनका कमंडलू था उस जल में डूब गया, और डूब गया तो वो क्रोधित होकर के श्राप दे दिए कि इसमें, इस तालाब में, इस कुंड में कभी 3 दिन से जल कभी टिकेगा ही नहीं, तो तभी से इसमें कितनी भी बारिश हो जाए, कितना भी समर से भरा दिया जाए, कभी 3 दिन से 4th दिन आपको जल दिखाई नहीं देगा, ये विशेषता है। और ये जो मंदिर है, इसमें केवल द्रोणाचार्य की मूर्ति है या और भी प्रतिमाएं स्थापित है? विशेष प्रधान तो गुरु द्रोणाचार्य जी का ही मंदिर है, फिर शनि श्रेय धीरे धीरे होते करते जैसे ही लोग सजुक होते गए, उसे उसी अनुसार सामर्थ्य अनुसार फिर मूर्ति की स्थापना करा दी। मंदिर में बांके बिहारी जी और राधा कृष्ण जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति लगी हुई है, आइए मैं आपको उनके भी दर्शन करा देता हूँ। जय हो राधे राधे। तो आप दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी के और राधा जी के, बहुत ही प्यारे दर्शन आपको यहाँ होने वाले हैं, तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। दोस्तों, जो गुरु द्रोणाचार्य जी का जो मंदिर है, उसके बराबर में ही एक गौशाला है जहाँ पे हजारों की तादाद में गाय रहती है। गौशाला के अंदर बहुत सारी ऐसी गाय हैं जो आवारा रोड पर छोड़ दी जाती हैं, और कुछ गाय वृद्ध होती हैं, बीमार भी होती हैं, जो दूध नहीं देती हैं, तो ऐसी गायों को इन्होंने यहाँ एक सेक्शन बनाकर रखा है, और ऐसी गायों को यहाँ पर रखा गया है जिनको केवल चारा खिलाया जाता है, जो दूध वगैरह नहीं देती हैं, और इन गायों को यहाँ पे हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा गया है। गौशाला के अंदर बहुत सारे सेक्शन है जो बनाए गए हैं, जैसे कि वृद्ध गाय का सेक्शन, भूसे का गोदाम, और गर्भवती गाय, दूध देने वाली गाय, जितनी भी तरह की यहाँ पे गाय रहती हैं, सभी का सेक्शन अलग अलग बनाया गया है। बात करते हैं कि यहाँ पे जो इनका भूसा होता है या जो भी इनका खाने का प्रबंध होता है वो कैसे किया जाता है, तो यहाँ के प्रबंध के लिए कई सारे ट्रस्ट हैं जो यहाँ पे डोनेशन देते हैं, उससे इसका खर्चा चलता है, और बाकी जो दूध देने वाली गाय होती हैं यहाँ पर उनका दूध निकाल कर बेचा जाता है, और उससे जो भी पैसे आते हैं उसको भी इन गायों में लगा दिया जाता है। बहुत सारी गाय ऐसे भी हैं जो दूध नहीं देती हैं, केवल चारा खाती हैं, जिनको लोग सड़क पर छोड़ दिया करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर रखा जाता है और अच्छे से उनकी खातिरदारी की जाती है। Thank you.
दोस्तों इस गौशाला के दिखाने के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। दोस्तों आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये कैसे लगी इसको कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको ये मंदिर कैसा लगा जो कि द्रोणाचार्य जी का मंदिर है इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि ट्रैवल वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।